10 साइंस चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी विद्युत के अंदर कुछ शक्ति और उपभुक्त ऊर्जा से संबंधित आंकिक प्रश्न है, उन्हें हम देखते हैं और समझते हैं। बल की शक्ति पूछी है, ये कोई विद्युत बल 220 वोल्ट के जनित्र से जुड़ा है, मतलब जो जनरेटर है उस वो कितना निकाल रहा है, 220 वोल्ट, और यदि बल्ब से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, मतलब वो जो बल्ब जिस जनरेटर से जुड़ा है तो बल्ब में जो धारा आ रही है वो 0.5 एम्पियर की है, तो बल्ब की शक्ति क्या होगी। बहुत सिंपल है, जो चीजें दी हुई है उस वो आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर आप आंसर लिखते हैं तो सबसे पहले आपको ये लिखना चाहिए कि आपको दिया क्या है। तो आपको 220 वोल्ट दिया, आपको मालूम है कि विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, तो V इज इक्वल टू हो गया 220 वोल्ट। आप ऐसा भी लिख सकते थे V इज इक्वल टू 220 V, चलेगा। अब बल्ब से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो ये आपका I है, विद्युत धारा है जो एम्पियर में लिखी है, तो ये हो गया 0.5 एम्पियर। आप चाहे तो 0.50 पूरा लिख दीजिएगा। अब आपसे पूछा है कि बल्ब की शक्ति क्या होगी, तो शक्ति के लिए मैं बहुत सिंपली आपको एक फार्मूला बता देता हूं, वही आपको लिखना है, और वो है P इज इक्वल टू VI। देखिए, बहुत जगह नहीं लेते हुए मैं इसको लिखूंगा, P इज इक्वल टू VI। अब P इज इक्वल टू, देखिए V कितना है 220, I कितना है 0.5। देखिए आप, P आपका हो गया 220 और 0.5 का मतलब हुआ 5/10, है ना, दशमलव हटाएंगे तो ये 5/10। वैसे 0.5 का मतलब 1/2 आप जानते हैं, तो आप 5/10 नहीं भी लिखे तो चलेगा, सीधे आप 1/2 लिख दीजिएगा। और अगर वैसा भी नहीं लिखते हैं तो 220 में 0.5 का गुणा, तो आप समझ गए आधा हो जाएगा, तो 110 हो जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ये आप देखिए 0 से 0 कैंसिल कर दीजिएगा, ये आप 0 से 0 में इसको कैंसिल कर देता हूं, ये 0 से 0 मैंने कैंसिल कर दिया, और 22 में 5 का गुणा करने गया तो ये हो गया आपका 110। और ये शक्ति है ना, ये क्या है, विद्युत शक्ति है, और चूंकि ये सारे ऐसा ही मात्रक चल रहे हैं, देखिए विभवांतर वोल्ट धारा एम्पियर में, है ना, तो ये शक्ति आपकी हो जाएगी वाट में, तो ये हो जाएगा आपका 110 वाट इसका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब क्वेश्चन अगला लेते हैं, पेज नंबर 245 में एनसीईआरटी की बुक का है, पिछला क्वेश्चन पेज नंबर 244 पर था, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। कोई विद्युत मोटर 220 वोल्ट के स्रोत से, मतलब वही आपका देखिए 220 वोल्ट का स्रोत हो गया जो यहां था, 5.0 एम्पियर धारा लेता है, यहां 0.5 था, 5.0 है, ओके? मोटर की शक्ति निर्धारित करो, तो इसी तकनीक से इसकी शक्ति भी निकल जाएगी। लेकिन यहां एक बात बढ़ा दी है कि 2 घंटे में मोटर द्वारा उपभुक्त ऊर्जा का परिकलन कीजिए। 2 घंटे में मोटर कितनी एनर्जी को लेने वाली है यह आपको बताना है, तो 2 घंटे में मोटर द्वारा उपभुक्त ऊर्जा का परिकलन कीजिए। तो सबसे पहले तो आप शक्ति निकाल लीजिए, फिर आप एनर्जी निकालेंगे, है ना। अब वो उसके लिए शक्ति की क्या जरूरत है ये अभी देख लेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो ऊपर वाली टेक्निक है उसी से आप शक्ति निकाल लीजिए, P बराबर VI, जो मैंने आपको सिखाया, P बराबर V कितना है आपका 220, है ना, अब मैं लिख नहीं रहा हूं कि V इज इक्वल टू 220 वोल्ट, है ना, 220। I कितना है, तो आपके प्रश्न में I 5.0 है, मतलब 5 है, और 220 में आप 5 का गुणा करेंगे तो 22 में 5 का 110 और 10, ये हो गया 1100, और ये शक्ति है तो ये हो गया वाट। ये आपका ये वाला जो आंसर है, देखिए इस वाले आंसर से, इस टेक्निक से ये वाला आंसर निकल गया आपका, मतलब आधा प्रश्न आपका हो गया। मोटर की शक्ति निर्धारित कीजिए, मतलब ये वाला हिस्सा आपका खत्म हो गया। अब 2 घंटे में मोटर द्वारा उपभुक्त ऊर्जा का परिकलन कीजिए। तो देखिए, जो ऊर्जा निकालना पड़ती है ना, वो यूनिट से आप लेकर आइएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब एक यूनिट को 1 KWH कहते हैं, किलोवाट घंटा, ठीक है, अभी ये वाट है तो आपको चाहिए किलोवाट घंटा, है ना, तो इस वाट को आप किलोवाट में बदलिए। तो देखिए, ये वाट मतलब ये W है आपका, ठीक है, तो इसको किलोवाट में बदलिए, तो ये हो जाएगा आपका, किलोवाट में बदलेंगे तो 1000 का क्या होगा, इसमें भाग लग जाएगा, तो 1000 का जब आप इसमें भाग लगाएंगे तो कितना होगा, ये 1100/1000, 2 0 से 2 0 कटेगी और ये हो जाएगा 1.1, तो कितना बन रहा है, देखिए आप, ये बन रहा है 1.1, 1.1, फिर से लिख देता हूं मैं दोबारा, यहां लिख देता हूं, देखिए ये बन रहा है आपका 1.1 किलोवाट, ओके, 1.1 किलोवाट। अब वो कह रहे हैं कि 2 घंटे में मोटर द्वारा उपभुक्त ऊर्जा का परिकलन करना है,
तो दो घंटे में आप कितनी एनर्जी का आपने कितनी एनर्जी कंज्यूम की है ना, तो दो घंटे में उपभोक्त ऊर्जा, अब आपको पता है ऊर्जा क्या होती है, किलोवाट आवर में लिखी जाती है, तो किलोवाट तो ये हो गया आपका कितना है ना 1.1 किलोवाट हो गया किलोवाट, और आवर कितने हैं ये 2 आवर, ये हो गया केडब्ल्यूएच। देखिए ध्यान से, ये किलोवाट घंटा, ये केडब्ल्यूएच, ये आपका ये एनर्जी का मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है, किलोवाट घंटा केडब्ल्यूएच। तो अब ये देखिए 1.1 में 2 का गुणा हो गया आपका 2.2 kWh है ना, ये kWh। अब किलोवाट घंटा को अगर आप जूल में बदलेंगे तो उसकी वैल्यू होती है, आप इसको जूल में कन्वर्ट कर लीजिए तो हो जाएगा 2.2 इंटू, किलोवाट घंटा को जूल में बदलना 3.6 इंटू 10^6 जूल। एक किलोवाट घंटा है, एक kWh होता है 3.6 × 10^6 जूल। तो अब आपके पास में केवल, अब सीधे सीधे आपका उत्तर आने वाला है, 2.2 में 3.6 का आप क्या करेंगे गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 7.92 इंटू 10^6 जूल, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये भी आपका आंसर है, अगर आप किलोवाट घंटा में लिखते हैं तो ये आपका एक उत्तर है, अगर आप जूल में लिखते हैं देखिए ये भी आपका आंसर है ना, एक आंसर ये हो गया आपका और एक आंसर आपका ये हो गया। आप जिसमें भी लिखना चाहें, एग्जाम में जिसमें पूछे वो आप लिख सकते हैं। तो 2.2 किलोवाट आवर है ना, ये यूनिट है, इसको एक यूनिट बोलते हैं है ना, तो 2.2 यूनिट हो गया है, या तो उपभुक्त ऊर्जा कितनी हो गई 2.2 यूनिट है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 2.2 यूनिट। और अगर आप इस यूनिट ऊर्जा को बदलना चाहते हैं जूल में तो आप 3.6 इंटू 10^6 का गुणा कर दीजिएगा तो इट बिकेम 7.92 इंटू 10^6 जूल। ये जो है इस मोटर द्वारा उपभुक्त ऊर्जा है। तो इस तरीके से हम शक्ति का परिकलन भी कर सकते हैं और उपभुक्त ऊर्जा का परिकलन भी कर सकते हैं। यहां एक बात और है, अगर वो ये कह देते कि मान लीजिए उसकी दर भी दे देते कि इतना पैसा एक यूनिट का है तो फिर 2 यूनिट का कितना पैसा है, तो 2.2 का उसमें गुणा हो जाता। तो पैसे की बात जब आएगी तब लास्ट में आप उसमें जाकर गुणा करते हैं न्यूमेरिकल्स के अंदर। थैंक यू।